नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार जरूर पढ़ना। किसी शायर ने ये बात कही थी प्रेम के लिए, सद्भाव के लिए। लेकिन हम जब लेखकों से बात करते हैं, अगर वो दिल को पढ़ेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? आज के समय में लेखक और प्रकाशक के लिए क्या चुनौतियां, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं नोएडा स्टेडियम में। ये जो एक शायर ने कहा है कि दिल को रात को ज़रूर पढ़ना, आप तो लगातार किताबों को पढ़ रहे हैं और किताबें लिख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये यात्रा कैसी रही? सर, यात्रा हमारी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नींद ही नहीं आती। अगर एक विषय अगर दिमाग के अंदर घुस गया तो हमें नींद नहीं आती, सो नहीं पाते। जब तक वो हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तो तब तक सो नहीं पाते। और उसके बाद जब इसको लिख तो दी किताब, अब उसको पब्लिश करना है। कैसे पब्लिश करेंगे? पब्लिशर के पास जाते हैं, वो पैसे की बात मांग करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करते भी हैं तो फिर हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम पैसे देकर पब्लिश करते हैं तो हमें 50 कापियाँ मिल जाती हैं और बाकी कापी वो कब बेचते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं। इसलिए हमने ये सारी किताबें, मैंने खुद अपने नाम से, मैं ISBN नंबर लिया है और अपने नाम से मैं किताबें पब्लिश करता हूँ। चलिए, ये लिखते भी हैं और किताबों को पब्लिश भी करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंज बिहारी है जी, कुंज बिहारी मुंडे भी मेरा नाम है और कलयुगी भी मेरे को साहित्य के भाषा में बोलते हैं। और मैं भी लगभग 1982 से लगभग साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। और बस आप, बाकी डॉक्टर साहब ने सब कुछ आपको बता ही दिया है। ये किताब मैंने 16 साल में लिखी है, बहुत सारा रिसर्च के लिए किया, पूरे पहाड़ों पे घूमा, जो पुरानी चीज़ें थी वो सारी पढ़ी। अब वो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मैं कई जगह, बहुत जगह भटका, पब्लिशर से भी भटका, लेकिन सब ने, किसी ने कहा 2.5 लाख रुपये दे दो, 3 लाख रुपये दे दो तब जाके छपेगी। फिर मुझे अपनी जेब से इस पर लगाना पड़ा। और अब भी ये एक प्रकार की अचंभे की बात है कि यहाँ पे ये फिर भी लोग इसको अपनाने को तैयार नहीं है। एक बड़ा संकट है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने भी इस पर, किताबों पर असर डाला है। लेकिन एक लेखक की अगर हम बात करें, ये उत्तराखंड की जनश्रुतियाँ हैं जिसके बारे में, जिसको लिखा है, उत्तराखंड की जो बोलियों को एकात्मक रूप देकर उत्तराखंडी भाषा के लिए कई वर्षों से जो कार्यरत है डॉक्टर बिहारी लाल जालंधरी। ऐसे एक सशक्त लेखक जो अपने मूल्यों को लेकर, अपने हुनर को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था क्या हुआ है, ये भी इन्हीं से पूछेंगे। आप समाधान के रूप में क्या देखते हैं? ये चुनौती तो बहुत बड़ी है। अगर हम आपसे कहें कि सरकार अगर आपकी सुन रही है, क्या कहेंगे जी? हम तो यही कहते हैं कि हमारी जो ये डूबती हुई भाषा है, विलुप्त होती हुई भाषा है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो होता है मरा हुआ, एक होता है महामरा हुआ, जिसका कोई सहगुसाई नहीं है। उस भाषा के लिए एक तो हम काम कर रहे हैं और छोटी मोटी नौकरियों से हम ये सारी चीज़ें उसके अलावा ये काम करते हैं। और काम करने के बाद हम लिखते हैं, और लिखने के बाद भी हमें ना तो गवर्नमेंट से, ना कहीं प्राइवेट सोसाइटियों से, आप देख रहे हैं यहाँ इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, लेकिन जो है ये मेले तो खूब चल रहे हैं, खूब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन कोई अपने साहित्य को अपनाने के लिए तैयार नहीं। जो चीज़ डूब रही है हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बहुत बड़ा काम आप, भगीरथ प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी और जनता की तरफ अगर ध्यान दे तो बड़ा ही बात होगी। आप क्या समाधान के रूप में कहेंगे? हम तो उत्तराखंड की सरकार से बार बार विनती करते हैं, और कई बार, हर बार जब भी नए मुख्यमंत्री आते हैं, हम मिलते हैं, हमारा एक ही आग्रह होता है कि उत्तराखंड की मुख्य दो बोलियां हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, कम से कम एक अकादमी के गठन तो कर दें ना। इस आज तक हिंदी एकेडमी का गठन हो गया है वहाँ, उर्दू एकेडमी का गठन हो गया, पंजाबी एकेडमी का गठन हो गया, सिंधी एकेडमी का गठन हो गया, पर हमारी उत्तराखंड की जो मुख्य भाषाएँ हैं गढ़वाली कुमाऊनी, उसकी एकेडमी का गठन कब होगा? हम तो ये कह रहे हैं अगर उसका गठन हो जाता तो हम ये जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि एकेडमी के माध्यम से ये हमारे
आम जनता तक, आम जनमानस तक हमारी बात पहुंचती, स्कूलों में एक विषय बनता, हमारे बच्चे हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा पढ़ते, वहाँ हाई स्कूल तक हमारे बच्चे पढ़ते, तो निसंदेह एक आरक्षण भी भाषा के रूप में मिलता, जैसे आज पंजाबी को मिल रहा है, जैसे मराठी को मिल रहा है, जैसे गुजराती को मिल रहा है, हर भाषाओं को अपने प्रदेश में आरक्षण मिलता है बच्चों को। पर उत्तराखंड में यह भाषा तो भाषा अकेडमी नहीं है, भाषा की शिक्षा ही नहीं है, तो आरक्षण कहाँ से होगा। इसलिए नगीना, धामपुर या बाहर के लोग आकर के हमारे इंटीरियर में जा रहे हैं, जिनको वहाँ की भाषा नहीं आती बोलनी। एक पोस्टमैन, दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड की इंटीरियर में एक पोस्टमैन जा रहा है, वो बाहर का पोस्टमैन, जिसको वहाँ की न गढ़वाली भाषा आती न कुमाऊनी भाषा आती, तो बोलो आमा बूबू से क्या बात करेगा, उसको आमा क्या पता है, बूबू क्या पता है, क्योंकि हमारी लोकल भाषा है। उसको शिशोन पता नहीं होता, जिसको हम कन्नड़ी बोलते हैं उसको पता ही नहीं है। भाई लोकल डायलेक्ट्स को बचाना भी हमारा कर्तव्य है, सरकार का है। सरकार प्रतिबद्धता तो जाहिर करती है, दावे तो करती है, लेकिन हकीकत में अगर हम अपनी लोक भाषा को, लोक संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो लेखकों को और स्थानीय भाषाओं के लिए अपना खजाना भी खोलना पड़ेगा, दरिया दिली दिखानी पड़ेगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप अगर नोएडा में यहाँ पर महाकौथिक मेले में आए तो स्टॉल पर आना और इन लेखकों से मुलाकात करना, हो सके तो कुछ किताबें भी खरीदना। तो मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें।